आइए हजरात, अब मैं इस दबिस्तान दिल्ली में गुजारिश करूँ दबिस्तान लखनऊ से आए हुए शायर जनाब राशिद कमाल साहब से कि वो आए अपने कलाम से नवाजे जनाब राशिद कमाल साहब। कर रहा हूँ काम उधर को जाके, तुम्हारे पीछे तो मैं कर भी देता हूँ। क्या नाम है? मुझे खुद नहीं मालूम। चार मिसरे नाप के हाजिर करता हूँ। आदमी अपने अमल से अबरहा बन जाएगा। आदमी अपने अमल से अबरहा बन जाएगा। आदमी अपने अमल से अबरहा बन जाएगा। आदमी ही लायक तपत यदा बन जाएगा। आदमी अपने अमल से अबरहा बन जाएगा। आदमी ही लायक तपत यदा बन जाएगा। रोवा रोवा जिस्म का करते अगर नजरे रसूल, फिर यही इंसान खुदा का आईना बन जाएगा। रोवा जिस्म का करते अगर नजरे रसूल, यही इंसान खुदा का आईना बन जाएगा। चार मिसरे देखे कि इन्हीं की पैरवी करके सही अमाल बनते हैं। इन्हीं की पैरवी करके सही अमाल बनते हैं। इन्हीं की खानकाहों में कुतुब अब्दाल बनते हैं। इन्हीं की पैरवी करके सही अमाल बनते हैं। इन्हीं की खानकाहों में कुतुब अब्दाल बनते हैं। बुजुर्गों की दुआओं से जिन्हें परवाज हासिल है, वही तो मीर बनते हैं, वही अकबाल बनते हैं। बुजुर्गों की दुआओं से जिन्हें परवाज हासिल है, वही तो मीर बनते हैं, वही अकबाल बनते हैं। और चार मिनट आप देखे कि मेरी तारीख शाहिद है तो आकर देख ले सालिम। मेरी तारीख शाहिद है तो आकर देख ले सालिम। जमाना सर झुकाता था मेरे किरदार के आगे। मेरी तारीख शाहिद है तो आकर देख ले सालिम। जमाना सर झुकाता था मेरे किरदार के आगे। अगर बेदार हो जाएगा मेरा जोशे ईमानी, तो बातें टिक नहीं सकता मेरी तलवार के आगे। अगर बेदार हो जाएगा मेरा जोशे ईमानी। चार मुझे ये भी देखे कि अगर गुलशन का हर एक गुल बगावत पर उतर आता, अगर गुलशन का हर एक गुल बगावत पर उतर आता, न जाने कितने टुकड़ों में बटा ये गुलशिता होता। अगर गुलशन का हर एक गुल बगावत पर उतर आता, न जाने कितने टुकड़ों में बटा ये गुलशिता होता। वतन से हम अगर अपने वफादारी नहीं करते, तो फिर दुनिया के नक्शे पे नए हिंदुस्तान होता। वतन से हम अगर अपने वफादारी नहीं करते, तो फिर दुनिया के नक्शे पे नए हिंदुस्तान होता। और चार मिसरे हैं कि तसव्वुरात सियासत से साफ रहने दो। तसव्वुरात सियासत से साफ रहने दो। हमारे बीच में ये अख्तलाफ रहने दो। तसव्वुरात सियासत से साफ रहने दो। हमारे बीच में ये अख्तलाफ रहने दो। चरागे इश्क लिए हाथ में निकल राशिद, हवा खिलाफ है इसको खिलाफ रहने दो। चरागे इश्क लिए हाथ में निकल राशिद, हवा खिलाफ है इसको खिलाफ रहने दो। बिखरे हुए अल्फाज की तहरीर बन गई। क्या मुझे सुनाता हूँ कि बिखरे हुए अल्फाज की तहरीर बन गई। जब भी लकीरें खींची तो तस्वीर बन गई। बिखरे हुए अल्फाज की तहरीर बन गई। जब भी लकीरें खींची तो तस्वीर बन गई। मेरे तसव्वुरात में रांझे का इश्क है, मुझसे गजल मिली तो गजल हीर बन गई। मुझसे गजल मिली तो गजल हीर बन गई। जनाब राशिद कमाल साहब लखनऊ से तशरीफ लाए थे आपके सामने। अपने इशारे का शानदार आगाज किया इब्नेन ने। नाज शरीफ पढ़कर इब्नेन डॉक्टर नस्तर अमरोही साहब के साहबजादे हैं। इस मुशायरे में डॉक्टर नस्तर अमरोही साहब के मजमूए कलाम पोस्ट मार्टम का रस्म इजरा भी हुआ। उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब ने अपने दस्ते मुबारक से किताब पोस्ट मार्टम का इजरा किया। इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी राय जनाब आले जनाब प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, जिन्होंने डॉक्टर नस्तर अमरोही के मजमूए कलाम पोस्ट मार्टम की तारीफ करते हुए कहा। मैं एक दफा फिर नस्तर अमरोही साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मैं इनको इनकी बार नजर मैंने पढ़ी है, बिदस्तियाब पढ़ी है, इसलिए कह रहा हूँ कि बहरहाल इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें मुझे अक्सर ये लगा कि दिलावर फिगार जो है उनका असर इन पर है। और अगर ऐसा है तो ये माफ कीजिएगा, ऐब की बात नहीं है, खूबी की बात है।
क्योंकि हम सब जिस एहत में हमारा शऊर जागा था उसमें दिलावर पिघार का उर्दू में चल रहा था। इस मुशायरे की शानदार निजामत की जनाब सैयद बसीरुल हसन वफा साहब ने, और इस मुशायरे के कन्वीनर रहे जनाब डॉक्टर रजी अमरोही साहब। इस मौके पर अल्लामा कैसर एकेडमी ने डॉक्टर नश्तर अमरोही साहब को दिलावर फिगार अवार्ड से भी नवाजा। इस मुशायरे की सदारत की जनाब मसरूर जौहर साहब ने, और इस मुशायरे के कोऑर्डिनेटर रहे जनाब शिबान कादरी साहब। अल्लामा कैसर एकेडमी अलीगढ़ के हम शुक्रगुजार हैं, उनके चेयरमैन जनाब डॉक्टर ए शेख साहब के भी शुक्रगुजार हैं, रजी अमरोही साहब, शिबान कादरी साहब, सभी के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये शानदार मुशायरा ऑर्गेनाइज किया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में रॉकी टॉक के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। देश और दुनिया में कहीं से भी लाइव मुशायरे देखिए, साथ ही कुछ और खास इवेंट अपने घर बैठे देखिए मोबाइल पर रॉकी टॉक पर लाइव। जी हाँ, रॉकी टॉक को डाउनलोड कर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, साथ ही वॉइस पिक्चर वीडियो के जरिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लाखों कम्युनिटीज हैं, हर महीने कोई खास कॉन्टेस्ट में आप हिस्सा ले सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज ही डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक अपने मोबाइल में और बदल लीजिए अपनी दुनिया।